अल्लाहम तो सबसे पहले जो है हम इसका पैटर्न कट करेंगे तो इस तरीके से मैंने एक प्लास्टिक की शीट ली है उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है सबसे पहले और फिर इसके हम निशान लगाएंगे तो इसको इस तरीके से रखेंगे हम और फिर यहाँ से जो है वो हम रखेंगे छः सेंटीमीटर और यहाँ से जो है वो हम रखेंगे नौ सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको मैच कर लेंगे फिर यहाँ से भी देखेंगे हम नौ सेंटीमीटर फिर इसको इस तरीके से हम मैच कर लेंगे और यहाँ से लगाएंगे हम दस सेंटीमीटर का निशान और फिर यहाँ से लगाएंगे हम दो सेंटीमीटर का निशान आप यहाँ पे दो या तीन लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ पे दो लगाया है और इस तरीके से इन दोनों निशानों को हम मैच कर लेंगे और यहाँ से भी हम दो सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे हम नौ सेंटीमीटर का और फिर इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मैच कर लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो कटिंग करके मैंने इसको स्टेपलर कर लिया है ताकि ये हिले नहीं और जब हम इससे निशान लगाएंगे तो हमें आसानी भी होगी तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया लेदर पी यू लेदर है ये तो इस पर रख कर मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी पेन से और फिर निशान लगाने के बाद हम इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो ये जो है हमारा इस तरीके से जैसे कि एक लिफाफा होता है उस तरीके से हमारा ये आएगा तैयार होगा तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बस दोनों कॉर्नर्स को हम सुई धागे की मदद से सिल लेंगे तो इतना सिलने के बाद हम नीचे वाले पोषण को इसके ऊपर रखेंगे और इस पर हम टाके लगा लेंगे दो तीन टाके और दो तीन टाके लगाने के बाद इस पर मैगनेट बटन लगाना है हमको तो वो मैंने लगा लिया है मैगनेट बटन और इसके बाद हमें इसके अंदर भी लगाने के लिए हमें चाहिए तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे लेदर के ऊपर और हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे और फिर कटिंग करने के बाद इसको हम इसके अंदर एक बार सेट करके देखेंगे कि ये अच्छे से सेट हो रहा है बड़ा तो नहीं है थोड़ा सा तो ये थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने यहाँ पे इसको और हल्का सी हल्की सी कटिंग मैंने कर दी है ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए तो यहाँ पे अच्छे से फिट करने के बाद जो ये इतना एक्स्ट्रा पोर्शन है हमारा इसको हम कट करेंगे तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे पहले हम ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए हमें कितना कट करना है और फिर मैंने इसको कट कर दिया है कट हो गया है ये इस तरीके से आएगा ये हमारा तो इसका जो है अंदाज़ा ले लेंगे हम कि हमारा जो दूसरा बटन है दूसरा पोशन है वो कहाँ पे लगेगा तो अंदाज़ा लेने के बाद मैंने निशान लगा के इस पर इस तरीके से कट लगा लिया है और ये बटन जो है यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे तो मैंने यहाँ पे ये लगा लिया है इस तरीके से सेट आएगा ये मैंने यहाँ पे तारकशी यूज़ की है सेम कलर की तो तारकशी में छः धागे होते हैं तो मैंने सिर्फ तीन तीन लिए हैं दो पोर्शन में मैंने इनको बांट लिया था और यहाँ पर हमें दोनों हिस्सों पर सिर्फ कच्चा कर लेना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे और हमें यहाँ पर जो नीचे वाली लेदर हमने लगाई है उसको हटाकर कच्चा करना है उसके साथ नहीं करना है सिलाई जो है वो हमारी अंदर से दिखाई नहीं देनी चाहिए तो इस तरीके से हमें इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल जो छोटा मोती आता है वो लिया है मैंने यहाँ पे और तारकशी का ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तीन धागे का यूज़ कर रही हूँ छः का नहीं लिया है मैंने तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है कि धागे में हमें मोती को लेना है सबसे पहले इस तरीके से हम मोती को धागे के अंदर डालेंगे और हमें इस तरीके से रखना है और बस थोड़ा सा हमें इसमें पास करना है धागा इसके ऊपर रखेंगे और हम इसको खींच लेंगे तो जो हमारा मोती जो है वो बिल्कुल फंस जाएगा वो कहीं भी नहीं जाएगा कहीं भी नहीं निकलेगा वो और जब आप सुई को पास करें तो जितना किनारे पे हो सके उतना पास करें बहुत ज़्यादा भी ना करें कि वो धागा खींच के निकल जाए लेदर जो है हमारी टूट जाए वहाँ से और मोतियों को जितना हो सके उतना ही पास पास लगाना है दूर दूर लगाएंगे तो खूबसूरत नहीं लगेगा और पास पास लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा तो बस इसी तरीके से हमें पूरे इसके फ्लैप पे जो है मोतियों को लगाना है तो इसी तरह से फ्लैप पे जो मैंने मोती लगा लिए हैं यहाँ से बस यहाँ से हम यहाँ पे लाते हुए इस तरीके से यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ पे जो धागा है एक्स्ट्रा जो मैंने छोड़ दिया है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे तो अब हम जो है यहाँ से जो है धागा तोड़ देंगे जो हमने कच्चा किया था उसको हम निकाल देंगे क्योंकि अब यहाँ पे हमको एम्ब्रॉयड्री करनी है तो यहाँ से मैंने धागा को अंदर डाला है और जिस तरीके से हमने ऊपर की है एम्ब्रॉयड्री बस उसी तरीके से करनी है यहाँ पर इसमें देखिए थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा सा मेहनत का काम है ये लेकिन मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है जब आपका बैग तैयार होगा तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा मेहनत हमेशा दिखती है तो आपको बस इसी तरीके से मोती डालना है और धागे को उसके अंदर से इसी तरीके से पास करना है मोती कहीं भी नहीं जाएंगे बिल्कुल यहीं पे बिल्कुल सेट हो जाएंगे अच्छे से तो यहाँ पे हमने लगा लिया है अभी नीचे का जो पोर्शन बाकी है वहाँ पे भी हम मोती लगा लेंगे पहले मैंने यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से इसलिए नहीं की थी क्योंकि तो हमारे जो लेदर थी वो सेट नहीं थी तो अब हमारी सेट है लेदर तो ये नीचे का पोशन जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी मोती लगा लेंगे तो ये कंप्लीट करने के बाद दूसरे साइड का भी जो हमने कच्चा किया था इसको हम काट लेंगे यहाँ पे भी उसी तरीके से बिल्कुल एंड तक हमें मोती लगाने हैं और मोती भी जब मैं लगा रही हूँ तो मैंने नीचे की लेदर को हटा के रखा है सिलाई हमारी नीचे नहीं आनी चाहिए तो दोनों पोशन को मैंने रेडी कर लिया है और जो धागा पहले हमने छोड़ा था वही धागा मैंने सुई में डालकर यहाँ से मैंने इसको सिलना स्टार्ट कर दिया है तो ये हमारा बैग में जो है वो एम्ब्रॉयडरी पूरी हो गई है बैग हमारा कंप्लीट है और यहाँ पे अंदर से जो है ये दोनों साइडें जो हैं ये हटी हुई हैं तो इनको मैं चिपकाने के लिए स्लोचन लूँगी आप स्लोचन का भी यूज़ कर सकते हैं आपके पास अगर ग्लू गन है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं तो मैं इसके दोनों साइड्स पे स्लोचन लगा दूंगी और ये यहाँ पे अच्छे से चिपक जाएगा तो मैंने इसको चिपका दिया है और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत छोटा पाउच हमारा रेडी हुआ है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग